हमारे पास इन रेडियस निकालने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे यूजफुल तरीका है कौन सा, डेल बाय एस। डेल यहाँ पे क्या है, एरिया। एस क्या है, सेमी पिरामीटर ऑफ ट्रायंगल, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल या किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो हम लोगों के पास, हम लोग क्या यूज करेंगे, डेल डिवाइडेड बाय एस। मान लो हमने क्या निकाला, स्केलन ट्रायंगल के लिए कोई प्रॉपर्टी हमने डिराइव की है, तो वो सारी अप्लीकेबल होंगी किनके लिए, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो स्केलन ट्रायंगल है उसी के स्पेशल केसेस है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। कैसे स्पेशल केसेस है, स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होती है, मान लो दो साइड को हमने बराबर कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे वो आइसोसेलेस बन गया। मतलब यहीं से क्या निकल के आया, दो साइड को बराबर कर दिया तो हमने आइसोसेलेस निकल के आया। इसका मतलब क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसी टाइप से क्या है, स्पेशल केस है किसका, स्केलन ट्रायंगल का। यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग है, हमने इन्हें बराबर कर दिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम दे दिया हमने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक टाइप का स्पेशल केस है स्केलन ट्रायंगल का। तो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर हम स्केलन ट्रायंगल के लिए कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कोई भी चीज डिराइव करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे अप्लीकेबल कर सकते हैं आइसोसेलेस के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। बात समझ में आ गई, ये जनरल बात थी। लेकिन अगर इसकी बात करें, इन रेडियस की बात करें, तो यहाँ पे डेल अपॉन सेमी पैरामीटर हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो। उसके बाद हम लोग और डीप में जाएंगे तो अलग अलग टाइप से हम लोग इन्हें डिराइव कर सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल के लिए हम लोग मान लो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हालांकि वहां से हम लोग आइसोसेलेस इक्विलेटरल के लिए में निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों निकाले वहां से, जब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें रूट 3/4 ए स्क्वायर ही लाना पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। हेरेंस फार्मूला लंबी प्रोसेस है, हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, हमने एंगल का यूज किया, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो हम रूट 3/4 ए स्क्वायर उसका फार्मूला निकाल लिया। अब वो बात वही हो जाती है कि फार्मूला तो अप्लीकेबल सभी में रहता है, लेकिन किस टाइप से हमें जल्दी आंसर मिले वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे जो फार्मूला है सभी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे कोई भी टाइप का हो, क्योंकि यहाँ पे डेल अगर लिखे हम लोग हेरेंस फार्मूला, मान लो ये हम इसकी बात करें सेमी पैरामीटर की, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, हम स्केलन के लिए बोल देंगे, एग्जांपल समझ रहे हैं बस। अगर इसके लिए बोलेंगे तो ये साइड बराबर हो जाएगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे। अगर यहाँ की बात कर लेंगे तो सेमी पैरामीटर ए प्लस ए डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। क्या स्पेशल केस है, बी को ऐसे रिप्लेस किया, फिर सी को भी ऐसे रिप्लेस किया, स्पेशल केसेस सूते जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखना है बस, डेल डिवाइडेड बाय एस इज द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें एरिया गिवन है, सेमी पैरामीटर या पैरामीटर गिवन है, तो हम लोग आसानी से इन रेडियस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इन रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हालांकि डेल अपॉन एस अप्लीकेबल है, लेकिन हो सकता है उससे भी कोई ईजी फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाए, हम देख लेते हैं एक बार। इन रेडियस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ध्यान जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे तीनों वर्टेक्स के, वहां पे हम बोलेंगे वो क्या है, इन सेंटर है। अब इन सेंटर को हम लोग पॉइंट रख के वहां से एक ऐसा सर्कल बनाएं जो तीनों साइड्स को टच करे, तो वो बनेगा इन सर्कल, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करें, हमने यहां पर बना दिया एंगल बाइसेक्टर, यहां भी बना दिया एंगल बाइसेक्टर, यहां भी बना दिया एंगल बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना है, यहां से एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कि एक ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों साइड्स को टच करे, इस पॉइंट को रख के। हमने यहां से देखा कि हम इस टाइप से सर्कल कुछ बना पाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बना पाएंगे, कोशिश करते हैं, ठीक है, इस टाइप से बना लिया हमने, ठीक है, ये एकदम करेक्ट फिगर बनेगा, लेकिन यहाँ पे बन नहीं पा रहा है अभी, ठीक है। अब देखो हो क्या, अगर एक्चुअल में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये तो यहाँ पे कहीं मिलने वाला है, क्या परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, आगे वाली फिगर से हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें जो इन सेंटर चाहिए था वो हमें मिल चुका है, काम खत्म, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम खत्म हो चुका है, अब बारी आती है किसकी, रेडियस की। ये क्या है, किसी सर्कल के ऊपर एसी क्या है, टेंजेंट है। तो इस पॉइंट से अगर हम यहां इस पॉइंट को मिला दें, टेंजेंट जहां मीट हो रही है वहां मिला दें, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हम लोग जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मान लो ये पॉइंट है जहां से हमने सर्कल बनाया, ये रेडियस जा रही है, चाहे यहां से चले जाए, यहां से चले जाए, कहीं से भी चले जाए, ठीक है, टच होते हुए, ठीक है।
तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये भी क्या रहेगा परपेंडिकुलर, चाहे यहां से चले जाएं ये भी क्या रहेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद रखनी है। क्लियर है बात? अभी एक प्रॉपर्टी और देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा रेडियस, ये कहीं यहां मिल रही थी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस आर से मतलब है, हमें इस आर से मतलब है। क्लियर है इतनी बात? परपेंडिकुलर आ गया ये तो। ठीक, अब हमें एक चीज और पता है कि अगर ये सर्कल है, यहां पे पॉइंट पी है, अगर हमने यहां से टेंजेंट बनाया, अगर हमने यहां से टेंजेंट बनाया, ठीक, ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो पी ए बराबर पी बी होने वाला है, ये गारंटी वाली बात है, पक्की बात है ये तो। ठीक, ये है प्रॉपर्टी, ये बाद में पढ़ने वाले हैं सर्कल के केस में, हो सकता है ये यहां पे हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये इक्वल बीच में आ रही हो इसलिए ऐसा हो रहा है, पी ए बराबर पी बी, नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, तब जाके ये पॉइंट जब यहां आ रहा है ना, तो जब यहां से मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहां आएगा, देखो ये वाला पॉइंट यहां ना रहते हुए यहां आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो चेंज तो होगा हर बार, चेंज तो होगा, तब ये ए ये बी ये पी, कोई कहीं पे भी ले लो, यहां पे ले लो तो बनाएंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी हमारे पास क्या बनने वाला है, पी ए बराबर पी बी ही बनेगा। ठीक है, इसे हमने बोल दिया डी ई एफ। क्लियर बात? अब देखो, अब सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना है आर, हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो ए एफ रहेगा वो ए ई के बराबर रहेगा, जो ए एफ रहेगा वो ए ई के बराबर रहेगा, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये पूरी लाइन क्या है, देखो ये ए है, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, अब इतना हिस्सा अगर ये वाला आर है, देखो ये कितना है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ तक वाला पॉइंट सी माइनस आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी माइनस आर हो जाएगा, जब ये सी माइनस आर हो जाएगा तो ये भी तो सी माइनस आर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होने वाले हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसी टाइप से जब ये आर हो जाएगा तो ये ए माइनस आर हो जाएगा, जब ये ए माइनस आर हो जाएगा तो ये भी ए माइनस आर होना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही, और ये किससे हो जाएगा, वो जो प्रॉपर्टी हमारी, ये पी है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों बराबर होंगे, उस प्रॉपर्टी से ये चीज आ जाएगी, बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम देखें और कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या यहां पे हम लोग, हमने देखा कि ये जो बी है ना, ये जो बी है यहां पे, ये किसके बराबर है, एसी के बराबर है, लेकिन एसी एक्चुअल में क्या है, सी माइनस आर, सी माइनस आर प्लस ए माइनस आर, तो आर टू आर कितना हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, और ये टू हटा दें और टू यहां ले आते हैं, बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी बाई टू, क्या निकला ये आर, ए प्लस सी माइनस बी बाई टू। ठीक है, ए प्लस सी, ए प्लस सी परपेंडिकुलर प्लस बेस, है ना भाई, परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई टू, इसे ऐसा लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई टू, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब क्या हम दोनों जगह अप्लीकेबल कर सकते हैं क्या वही फॉर्मूले को, है ना, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो यहां से वो चीज नहीं आ पाएगी, डेल अपॉन एस अलग फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हम एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, साइड्स सेवन, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं हम लोग सिक्स एट और टेन, ट्रिपलेट ही बनाना पड़ेगा हमें तो। ठीक, अब यहां से अगर हमसे बोल दिया जाता है कि आप हमें आर बताइए, आर की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे हम, यहां से सॉल्व करें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, पी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई टू, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फोर, फोर्टीन माइनस टेन, सॉरी कितना हो जाएगा, फोर्टीन माइनस टेन कितना होगा, फोर, फोर बाई टू, टू सेंटीमीटर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है अभी, ये तो यहां से हमने निकाल लिया, ये यूज किया ना, टू आंसर आया, क्या हम डेल अपॉन एस भी यूज कर सकते हैं क्या,
क्या आर बराबर डेल अपॉन एस, क्योंकि एरिया आसानी से निकाला जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई किससे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 6 + 8 / 10/2 कैंसिल कर देंगे, 48/24 कितना आएगा, 2 ही तो आया है, लिखने का तरीका अलग हो गया है लेकिन आया तो एक्चुअल में 2 है ना। यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो डिवाइड में 2 नहीं आ रहा है, डिवाइड में 2 नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक्चुअल में आंसर तो आ रहा है हमारा, चीजें बदल गई है लेकिन आंसर तो सेम है। अब हम लोग जब यहाँ पे हमें ऐड करना है, सिर्फ यहाँ -10 करना था, डिवाइडेड बाई 2 करना था, तो आंसर निकल के आ जाता है एक्चुअल में। हमने ये सब क्यों किया, ये सब क्यों किया, इसीलिए तो ये बेसिक फॉर्मूला है, कहीं भी अप्लीकेबल कर सकते हो, टाइम बचाना है दिमाग लगा सकते हैं, अगर टाइम बचाना है तो हम यहां पे जाएंगे फिर, ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सब जगह एप्लीकेबल है, क्लियर है। तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन एस, लेकिन अगर स्पेशल केस के रूप में हमें पढ़ना चाहे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम लोग P + B - H / 2 भी यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ट्रिपलेट का भी यूज देखना है, ट्रिपलेट है हम लोगों के पास। अब हम लोग ट्रिपलेट मान लो नहीं पता है हमें, क्या हमें नहीं पता ट्रिपलेट बन रहा है, मान लो हमने क्या लिख दिया, मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है हम लोगों के पास 5, 12 और 13, मान लो हमें ऐसा दिया हुआ है ए बी बी सी और सी डी, ये दिया हुआ है, हमें कोई भी नॉलेज नहीं है पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस के बारे में नॉलेज है लेकिन हमें ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ से आर बराबर डेल बाई एस करेंगे, फिर डेल निकालेंगे, डेल भी हाफ बेस इंटू एरिया से नहीं निकालेंगे, अगर वो पता लग गया हाफ बेस इंटू हाइट तो हमें तो ट्रिपलेट याद है फिर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पाइथागोरस लग रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं पता है हमें। फिर और मुसीबतें बढ़ेंगी, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालो, फिर उसे हेरन्स फॉर्मूला से सॉल्व करो तो एरिया निकलेगा, एरिया को डिवाइड करो सेमी पेरीमीटर से तब जाके निकलेगा आर, लेकिन अगर हमें पता है कि भाई ये तो ट्रिपलेट है पाइथागोरस लगा सकते हैं तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2। इतनी सी बात है बस, अगर समझ पा रहे हैं, ये क्यों कर पाए, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन पा रहा है, लेकिन अगर समझ नहीं पाते हम लोग तो सारा सॉल्व करना पड़ता, क्लियर है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं। इन सेंटर की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एक्स सेंटर की, ठीक है। एक्स सेंटर मतलब बाहर वाला, इन सेंटर मतलब वो ट्रायंगल के अंदर बन रहा था हमारा क्या, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ रहेगा, बाहर वाला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए क्या, है ना, 3 लाइंस चाहिए क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, नहीं, हमारे पास तो 2 ही काफी है। ये कितना है, बी है, ये ए है और ये सी है, ये जो एंगल रहा होगा पूरा 180 - एंगल बी, इसे हमने क्या कर दिया, यहां से एंगल बाइसेक्टर खींच दिया इसका, ये कहीं तो जाके मिलेगा। सिमिलरली सी के लिए हमने किया ये चीज, इसे हमने नाम दे दिया ओ, क्या नाम दे दिया हमने ओ, हम जानते हैं इसके पहले हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि ये वाला जो एंगल रहने वाला है वो कितना होगा, एंगल बी ओ सी हमने प्रूफ किया था, कितना हो जाएगा 90° - एंगल A/2, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक्स सेंटर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर देखा जाए तो यहां से एक सर्कल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं यहां से हम। अब सर्कल तो बना ले हम लोग, लेकिन वहां पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो ये हमने सेंटर बना दिया, यहां पे हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, सर्कल, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है इसका, मान लो यहां पे आ रहा है तो यहां पे रेडियस क्या हो जाएगी आर, यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो यहां आ रहा है तो ये आर हो जाएगा, ये है एक्स सेंटर, आर ही बोल सकते हैं इसे, आर ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग याद नहीं, सॉरी डायरेक्ट हम लोग याद करने वाले हैं, यहां पे हम डिराइव नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, बस याद रखना है हमें, क्वेश्चन कम ही आते हैं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ एक्स सर्कल आर ई बोल दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास, ये हो जाएगा डेल एरिया अपॉन एस माइनस, एस माइनस। अब कौन सी रेडियस लें हम लोग, देखो इसे एक्सटेंड करेंगे तो भी एक सर्कल यहाँ बन सकता है, इस लाइन को इधर एक्सटेंड करेंगे, इसे यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो भी तो एक सर्कल बन सकता है, और ये हमारे पास बी है, ये सी है, और ये वाली साइड की बात हो रही, ठीक है, ये साइड बी है, किस साइड के ऊपर है वो डिपेंड करेगा, तो यहाँ हम उस साइड के ऊपर लिख लेते हैं, मान लो ए के ऊपर है, ये किसके ऊपर है, ए वाले से टच हो रहा है ना सर्कल, यहाँ होता ऐसे अगर बनता और यहाँ सर्कल बनता तो बी वाले के ऊपर, अगर ऐसे बन जाता तो सी वाले के ऊपर, तो आर से लिख देते, तो एस माइनस वो वाली साइड को माइनस करना पड़ेगा, बस सिर्फ ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए क्या है यहाँ पे, डेल क्या है एरिया, एस क्या है हम लोग सेमी पेरीमीटर, और ए क्या है वो वाली साइड जिसके ऊपर या जिससे टच होके क्या बन रहा है एक्स सर्कल बन रहा है, ठीक है, और ये क्या रहेगा एक्स सेंटर, ठीक है, ये क्या रहेगा एक्स सेंटर रहेगा, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट या फिर दूसरा सेंटर के बारे में जिसे कहेंगे हम लोग सरकम सेंटर। व्हाट इज सरकम सेंटर, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज सरकम सेंटर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्या पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर, हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी साइड की बात हो रही है। बाइसेक्टर क्या होता है, चाहे वो एंगल का हो साइड का हो, अगर साइड का बाइसेक्टर है वो तो दो इक्वल साइड्स में क्या करेगा डिवाइड करेगा, और अगर एंगल का है एंगल बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, हम लोग जानते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब हमें एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो कि एक किसी साइड को जिसके ऊपर हम वो लाइन बनाएंगे वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और ऐसे पॉइंट से निकलनी चाहिए जहां से वो क्या हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। मान लो यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है हमारे पास, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सबसे पहली कंडीशन, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब कैसा बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या एंगल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यहां से एक ऐसी लाइन निकलेगी जो कि क्या हो यहां पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और दो इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दे, एक लाइन ये बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन यहां से बन सकती है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तीसरी लाइन कहां से बन सकती है, यहां से, ध्यान ये रखना है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, ये 90 डिग्री कंडीशन मस्ट है यहां पे, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, बाइसेक्टर भी है साइड का और परपेंडिकुलर भी है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसे हम एक्सटेंड करते जाए तो ये इस पॉइंट पर जाके मिले, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसे एक्सटेंड कर दें तो यहां पर मिले, ये यहां पर मिलेगा, ये कहीं यहां जा रहा होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अगर पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो हम बोल देंगे सर्कम सेंटर है, इससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे मिटा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज से, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है कि ये यहां पर मिल जाए, ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमें ये क्या मिल गया, क्या यहां पे ये जो पॉइंट है ये सर्कम सेंटर है, बिल्कुल सर्कम सेंटर है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सी बोल देते हैं, क्या है ये सर्कम सेंटर, क्या है ये सर्कम सेंटर, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें, सर्कम सेंटर है इसका मतलब यहां से जैसे इन सेंटर में अंदर की साइड ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा था तीनों साइड को टच करते हुए, लेकिन यहां पर तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए बनेगा, बात समझ में आ गई भाई, यहाँ पे अंदर है तो अंदर किसको टच करेगा, ये साइड्स को, लेकिन बाहर है तो क्या साइड्स को टच करेगा, नहीं, ये टच किसको करने वाला है, ये टच करेगा इन वर्टेक्स को, ठीक है। अब वर्टेक्स को टच करेगा, इसे हम लोग क्या करें यहां से मिला देते हैं, इसे हमने यहां पे मिला दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान के हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या किया हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्लियर है बात। अब ये सर्कल ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पे, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है,
है ना, सेंटर पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है उस पर किसी भी पॉइंट पे हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो वो होगी रेडियस। यहाँ भी वही हो रहा है, सेंटर पॉइंट से यहाँ, सेंटर पॉइंट से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास रेडियस, सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी, ये सर्कम रेडियस हो जाएगी, ये सर्कम सेंटर है हमारे पास, ये सर्कम रेडियस हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर हम ट्रायंगल देखें यहां पे, ऐसा कुछ बन रहा है, ये बी है हम लोगों के पास, ये ए है, ये आर है, ये आर है, ये कोई पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डाला हमने, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहां से क्या हम ट्रायंगल, इसे सी बोल दिया हमने, ये डी हो गया, ये ई, ये एफ, अगर हम ट्रायंगल ए बी और सी में अगर नोटिस कर पा रहे तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों सर्कल क्या है हम लोगों के पास, ये दोनों सर्कल हमारे पास एस 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 है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एस 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 से। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, साइड, तीनों क्या है, साइड साइड साइड। अब देखो ये वाली साइड अगर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को नोटिस करें, ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी, क्यों, एस 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 से। ऐसा क्यों, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी, एक रेडियस है तो ऑब्वियस बात है रेडियस तो अलग अलग होगी नहीं, एक सर्कल की वो भी सेम होगी, तो यहां पे क्या है रेडियस है। अब ये साइड दोनों में कॉमन है, एफ सी जो साइड है दोनों में कॉमन है, मतलब तीनों साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी सी ई, ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी सी, इसे हम ओ बोल देते हैं अभी, ठीक है, ओ बोल दिया हमने पॉइंट, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर वापस से हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो हम लोग वहां से डिराइव कर सकते हैं कि ये जो एंगल हो, ये एंगल जो बी ओ सी है, ये टू टाइम्स है एंगल ए के, बात समझ में आ गई, और ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा, क्या हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम लोग साइन रूल से, कैसे जानते हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो जो इक्वल एंगल्स हैं या इक्वल साइड से उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने वाला है, यहाँ पे इक्वल होने वाला है, क्लियर। अब मन में डाउट आ सकता है कि क्या सर जरूरी है कि यहाँ पे जो वर्टेक्स है इन्हीं से पास हो, हो सकता है कि ये कहीं और से भी पास हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कैसे बोल दिया हमने, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, है ना, जो जिनकी तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स बराबर हो, हो सकता है स्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो क्या हम वहां भी बोल सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है यहीं से टच होने वाला है, हो सकता है हमने वर्टेक्स से टच कराने की कोशिश की तो ये वाली लेंथ अलग हो जाएगी, मे बी पॉसिबल, चेक कर लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। हमने यहां पे देखा, अभी हमें नहीं पता, मान लो कि ये रेडियस है, अगर ये रेडियस बोल दी हमने इसका मतलब बराबर है, अभी हम नहीं बोलते हैं कि ये रेडियस है, ठीक, हम सोचेंगे कि क्या ये बराबर हो सकती है, क्या कुछ चेंज आ सकता है क्या इसमें। हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली जो साइड है, अगर हम पाइथागोरस लगा दें ए एफ सी और ए एफ सी में एंड बी एफ सी में अगर पाइथागोरस लगा दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनियस है और बी सी हाइपोटेनियस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। दूसरे वाले की बात करें तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। एफ सी स्क्वायर हमने देखा कॉमन है दोनों में, क्या ए एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर है, क्या, क्या ए एफ बराबर बी एफ है, क्या, बिल्कुल दोनों बराबर है, ए एफ बराबर क्या है बी एफ है, क्यों, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बाइसेक्टर, तो चाहे एंगल हो या साइड हो ये परपेंडिकुलर, इसलिए इसने साइड को बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं AC बराबर BC, कंक्लूजन निकाल सकते हैं AC बराबर BC, या AO बोल दो इसे, यहां हम O कर लेते हैं, इसे कंफ्यूजन होगा, यहां O कर लेते हैं इसे, ठीक है, बाद में और कुछ नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। यहां पे हमने देखा AO बराबर BO है, हाँ इसका मतलब क्या है, यहां पे AO बराबर OB है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां दोनों में देखेंगे तो भी वही केस होगा, यहां इन दोनों में देखेंगे तो भी वही केस मिलने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर है, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये जो AO है और BO बराबर है, तो BO और CO में कभी करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि यहां भी ये कॉमन है, ये दोनों बराबर है, BD और CD ये भी बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस यहां लगा देंगे तो ये क्या होगा कि AO, OB और OC क्या होंगे, बराबर होंगे, इसी को हमने क्या बोल दिया, रेडियस। ठीक है, सर्कम हमने रेडियस बोल दिया उसी को, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमने क्या देखा कि यहां से वो चीज क्या है, इक्वल ही होने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो पास होने वाली है वर्टेक्स से। ठीक है, एक चीज और देख ली कि जरूरी नहीं है ये यहां से पास होने वाली हो, है ना, हो सकता है यहां से पास ही हो, लेकिन ये हमने यहां क्या है मिला दिया इससे, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि निकालना कैसे, हमें निकालना कैसे, मान लो कि ये जो ए बी सी बना हुआ है, ये वाली जो लेंथ है ये ए है, ये वाली जो लेंथ है वो बी है, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, सी है। एंगल ए के अपोजिट साइड है, एंगल बी के अपोजिट साइड बी, एंगल सी के अपोजिट साइड सी। हम लोग जानते हैं यहां पे क्या जानते हैं हम लोग यहां पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, अगर दो साइड दी गई हो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ मान लो, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू सी साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सी साइन थीटा। ठीक है, और क्या जानते हैं, यहां पे थीटा क्या है, यहां पे थीटा क्या है, ए है, थीटा क्या है यहां पे, ए। एक चीज और जानते हैं हम लोग, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, साइन रूल से इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू टू आर, वहां पे हम कांस्टेंट मान रहे थे, ये क्या है आर, सरकम रेडियस, आर क्या है, सरकम रेडियस। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें साइन ए की वैल्यू निकालें तो ए अपॉन टू आर कितनी आएगी, ए अपॉन टू आर। अब ये जो साइन ए की वैल्यू आई इसे यहां पुट कर दें तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, डेल को हम ये एरिया बोल देंगे। ठीक है, ये यहां पे हमने ट्रायंगल यूज किया है लेकिन ये क्या है, एरिया को डेल भी बोलते हैं, ये डेल है, ये उसका साइन है, और इसी को हम ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, लिख देते हैं नहीं तो ट्रायंगल। ठीक है, और एरिया को हमने डेल से रिप्रेजेंट किया है, तो एरिया क्या होगा, हाफ बी सी साइन ए मतलब ए अपॉन टू आर, कुल मिला के हो जाएगा ए बी सी अपॉन फोर आर। तो यहां से अगर देखा जाए तो सरकम रेडियस जो आर है हमारी वो कितनी हो जाएगी, ए बी सी अपॉन फोर डेल, डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी सभी के लिए अप्लीकेबल है, ए बी सी साइड्स तो दी रहेगी हमें, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलेन हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, साइड दी गई रहेगी। हालांकि यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए एरिया को निकालना, क्लियर है। यहां से अभी पेरिमीटर की बात नहीं हो रही है, उसकी बात कब की थी हमने, इन सेंटर में की थी। ठीक है, जहां पे हमने इन रेडियस की बात की थी, और यहां सरकम रेडियस की बात करेंगे तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला बोलेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा ये, ए बी सी अपॉन फोर आर, ये क्या है, सरकम रेडियस, क्या ये, सरकम रेडियस। बात क्लियर हो गई, डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है इतनी बात, तो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है।